तो हेलो वेलकम बैक टू गाइस अनदर गेम प्ले वीडियो। जहाँ पे देखो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है GTA 5 को प्ले करना डीप इनसाइड। जहाँ पे देखो डीप इनसाइड का मतलब है कि देखो यहाँ पे एक्टर की एक्टिंग हो रही है, शूटिंग चालू है। और यहाँ पे शूटिंग चालू है तो देखो मैं आपको बताना चाहूँ तो डेविड वेस्टर्न ने हमें एक मिशन दिया है जिसमें मिशन में जो कार की चोरी करनी है। और पता नहीं यार डेविड वेस्टर्न को इतनी सारी कार क्यों चाहिए, क्योंकि हमने जो है पहले भी बहुत सारी कारों की चोरी मतलब रॉबरी करके उसे बहुत सारी कारें दी है, मगर पता नहीं यार इसे क्या चुल मची है। और हो सकता है बड़े पैसे भी इस कार के आ सकते हैं। जहाँ पे देखो लेजेंडरी और महंगी सी महंगी कारें हैं तो एटलीस्ट यहाँ पे जो हो सकता है ऐसा कुछ। तो जैसे तैसे करके यहाँ पे कोई बात नहीं, बड़े बड़े डीलरों के साथ इसकी जो डीलिंग हुई होगी, डीलरों के साथ उसकी डील हुई होगी, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे उसे कार खरीदने, मतलब कि कार को यहाँ से चोरी करने के बाद जो है डेविड वेस्टर्न उससे बेच देता है। और सामने की तरफ आपको एक्टर है, एक्टर आपको देखने को मिल रहा है, उसे आपको पीटना है, एक्टर को खूब पीटना है, खूब पीटना है, उतना पीटना है कि बेहोशी की हालत में मतलब बेहोश हो जाए। और बेहोश हो जाए तो उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, उसके कपड़े जो है चुरा लेने। कपड़े चुराने के बाद जो है अच्छा सा सेटअप आपको जो है इस गाड़ी के अंदर जाना है और अच्छा अपना सेटअप बना लेना है। बाल वाल जो है मतलब इसके कपड़े जो है आपको बस पहन लेने, बाल तो आपके ही रहेंगे। और साथ में ना देखो गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उतना काम करते हो देखा चाला कमेंट करके अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वाली वीडियो का टॉपिक। जहाँ पे ना देखो पर डे और रेगुलरली ऐसी वीडियो आती रहती है यूट्यूब चैनल विपुल गेमर्स में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो है पर 5 दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इस रास्ते से आपको जाना है जहाँ पे देखो शूटिंग हो रही है, और शूटिंग में जो है मेरे साथ जो है बहुत सारे लोग ऐसे चिल्लाते भी है कि तुम शूटिंग में लेट क्यों है। भाई मैं शूटिंग वाला नहीं हूँ, कोई एक्टर नहीं हूँ, मैं गाड़ी चुराने आया हूँ, गाड़ी चुरा के ही रहूँगा। और साथ में ना देखो मैं आपको बताना चाहूँ तो एक लेडी एक्टर भी बैठी है, मतलब उसको उसको भी आप चुरा सकते हो, उस गाड़ी में बैठी है, मगर उतरी नहीं थी यार, मैं क्या करूँ, गाड़ी भी गई और एक्टर भी गई, ऐसा कुछ करके अब सीन क्रिएट हुआ। हमने रॉबरी कर ली, हमारी रॉबरी जो है सक्सेसफुल भी रही। और बस यहाँ पे येलो कलर का डॉट है, वहाँ पे जाके इस गाड़ी को जो है वो रख देना है। जहाँ पे देखो डेविड वेस्टर्न और यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे डीलर लोग जो बैठे होंगे वो जो है वेट कर रहे हैं इस गाड़ी का कि भाई गाड़ी जो है कब आए। मगर यहाँ पर जो है सीन कुछ उल्टा सा ही क्रिएट हो गया है, हमारे पीछे जो है कुछ लोग पड़ गए हैं गाड़ियाँ लेके, और इससे जो है हमें पहले तो पीछा छुड़वाना पड़ेगा, क्योंकि पीछा यार कैसे छुड़ाए, समझ लो कि यहाँ से आपको पीछा छुड़ाना है। बस जैसे तैसे करो, मारो पिटो कुछ भी करो, हाँ वहाँ पे ना देखो आपके ऊपर कोई पुलिस केस भी नहीं होना चाहिए, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका गेम ओवर हो सकता है, आपका मिशन फेल भी हो सकता है, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है आपके साथ। तो आप जो है अपने हिसाब से कर लेना। जहाँ पर देखो ये सारे के सारे जो मतलब कि गाड़ियाँ ले लेके आ रहे हैं वो हमारे पीछे ही पड़े हैं, एक्टर को मतलब एक्टर साथ में बैठी है ना, इसी वजह से यहाँ पर शायद ऐसा कुछ हुआ है। तो एक्टर जैसे उतर जाए तो है ना आपका पीछा जो ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे, उतना तो मैं आईडी के साथ ही बता रहा हूँ। जहाँ मैंने देखो मैं भी क्या करूँ यार, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, और बस यहाँ पे जो है आपका पीछा जो है समझ लो कि यहाँ से एक्टर गई, मतलब एक्टर नीचे कूद गई है। और यहाँ से ना आपको एक डेविड वेस्टर्न के असिस्टेंट का कॉल आएगा कि बस यहाँ से जो एक्टर को मतलब कि इसका जो है समझ लो आप यहाँ पे मार ही डाला एक्टर को, और बस एक्टर से हमारा पीछा छूट चुका है। एक्टर लेडी एक्टर जो है हमारी गाड़ी में बैठी थी, तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे सीन हुआ था, तभी जाके वो हमारे पीछे कर रहे थे, मगर उससे तो हमारा पीछा छूट गया, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। और बस यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है, जिस लोकेशन पे आपको जाना है बस वहीं पर जो येलो डॉट है वहाँ पर आपको जाना है, और इस कार को जो है जिसको भी आपने मिशन दिया था, डेविड वेस्टर्न ने आपको मिशन दिया था, डेविड वेस्टर्न को ये वाली कार जो डिलीवरी करनी है। और शायद पैसे के बारे में जो है, पैसे के मामले में शायद उसने जो है आज तक किसी भी मिशन का जो पैसा दिया नहीं है, तो शायद हमारी लड़ाई उससे जो रहेगी, शायद ये मेन बॉस भी कह सकते हैं इसे, और ये जो मेन बॉस ही रहेगा आगे जाके। जब देखो मैंने GTA की सीरीज देखी है, और इसकी सीरीज जो है मैंने 5 साल पहले भी देखी थी, जहाँ पे देखो GTA 5 को मैं नहीं प्ले कर रहा था। बस यहाँ पे सीन ऐसा ही था, गलती मेरी एक ही थी कि मेरे पास अच्छा कंसोल नहीं था, या फिर पीसी का कोई मतलब कि ऐसा कुछ था नहीं मेरे पास बड़ा सा मतलब कि कंसोल नहीं था। और यहाँ से बस ऐसी सीरीज देखने में जो है मुझे बहुत ही मज़ा आता था, ऐसी बड़ी बड़ी गेमों की जो है बहुत सारी ऐसी सीरीज देखी, माफिया की देखी, रेड डेड रिडेम्पशन की देखी भाई, और GTA 5 की तो मैंने बहुत ही देखी, क्योंकि इसमें जो स्टोरी मिशन थे वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। और आज मत मानो, मतलब आज मान लो कि यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ, और जहाँ पर देखो जिन भाइयों के लिए जहाँ पर देखो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख रहे हैं वो समझ लो कि मैं
नहीं हूँ, जहाँ पे देखो समझ लो कि यार जिनके पास अच्छा कंसोल नहीं है जी टी ए 5 को प्ले नहीं कर रहे, तो समझ लो कि उनमें से मैं भी एक था। जहाँ पे देखो उन दिनों की बात जो है कुछ अलग थी, और आज जो है मैं खुद अपने कंसोल मतलब कि अपने प्ले स्टेशन के कंसोल में जो है इस गेम को प्ले कर रहा हूँ, और सब आपकी सबकी मतलब कि एक दुआ है, आप सभी की मदद लगी है उसमें, और आप सभी को शरे जाता है इसका। जहाँ पे देखो यहाँ पर डेविड वॉस्टन का एक गैराज आ चुका है, और बस इस वाले गैराज में इस गाड़ी को पार्क कर देना, यहाँ से नीचे उतना जाना। जहाँ पे देखो बहुत ही खुश है, इतनी ज़्यादा इस गाड़ी को हमने डैमेज किया, इतना ज़्यादा तोड़ फोड़ के इस गाड़ी को लाए, तब भी जो है बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पे ना देखो गाड़ी को आप जहाँ पे देखो मिशन को मतलब कि मिशन वेस वाले मिशन में गाड़ी को आप किसी भी तरह की हनी पहुँचाते हो, डैमेज कर देते हो, तो आपको जो यहाँ पे मिशन आपका फेल नहीं होगा। बस यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपकी गाड़ी जो ब्लास्ट नहीं होनी चाहिए, धुआं निकलती हो तब भी जो यहाँ पे आपका डेविड वॉस्टन जो बहुत ही खुश रहेगा, और आपको जो खुशी खुशी से इस वाली गाड़ी की जो है तारीफ करते हुए देखने को मिलेगा। बस यही मुझे बहुत ही खास बात लगी डेविड वॉस्टन की। और साथ में ना देखो यहाँ पे फ्रैंकलिन का दोस्त भी आ चुका है, फ्रैंकलिन के दोस्त को यहाँ पे फ्रैंकलिन जो है खुद भी जो है चिढ़ रहा है। फ्रैंकलिन यार चिढ़ क्यों रहा है फ्रैंकलिन, आई डोंट नो, मुझे तो पता नहीं है गाइज, आपको पता है तो फिर आई डोंट नो, इसके शायद ये मिशन जो चुरा लेगा डेविड वॉस्टन से, ये भी काम मांग लेगा ऐसा कुछ के यहाँ पे करके सीन हो रहा है। जब ना देखो मैं तो कहूँगा कि ये तो दोनों दोस्त है, फ्रैंकलिन और उसका जो सामने की तरफ दोस्त खड़ा, आई डोंट नो मुझे उसका क्लिंट करके नाम है शायद इसका, तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे जो बातें चीतें हो रही है, और उस पर चिढ़ रहा है कि तुम यहाँ कैसे आए और क्यों आए हो, और डेविड वॉस्टन ने इसे बुला रहा है मतलब कि डेविड वेस्टन ने इसे बुलाया है, तो ऐसा कुछ करके अभी जो डेविड वेस्टन कह भी रहा है कि तुम चिढ़ो मत, मैंने इसे बुलाया है और अगला मिशन जो है अगला काम मैं इसे ही देने वाला हूँ। डीप इनसाइड के बाद जो है यहाँ पे फ्रैंकलिन का कोई काम नहीं रहा है, और आगे का मिशन जो है यहाँ पे ये क्लिंट ही संभालेगा। और बस तो गाइज यही था वीडियो का टॉपिक, जो कि आपको पसंद आया है तो देखो गाइज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, उतना काम करते हो देखो अच्छा वाला कमेंट जरूर करके जाना भाई की वीडियो में। जब देखो फुली मिशन कम्प्लीट साथ करके आपको बताया है, और अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वाली वीडियो का टॉपिक। जहाँ पे ना देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पर डे रेगुलरली इस वीडियो आती रहती है, तो मैं मिलता हूँ किसी के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइज।